दोस्तों, चाहे आपको अपने पीएफ अकाउंट से पेंशन के साथ पीएफ का पूरा पैसा निकालना हो या फिर नौकरी बदलने पर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपने पीएफ बैलेंस को ट्रांसफर करना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट यानी कि आपके जॉब छोड़ने की तारीख सही सही अपडेट होनी चाहिए। और ये तारीख आप घर बैठे ही ऑनलाइन वो भी बिना एम्प्लॉयर के अपने आप अपडेट कर सकते हैं। कंपनी छोड़ने के बाद आप अपने पीएफ अकाउंट में अपनी डेट ऑफ एग्जिट बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से ही अपडेट कर सकते हैं, जिसका स्टेप बाय स्टेप लेटेस्ट प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। साथ में अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट हो गई है तो उसे आप कैसे ठीक करा सकते हैं, उसका प्रोसेस भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ईपीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट करें, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी पिछली नौकरी छोड़ चुके हैं और अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं और इंटरव्यूज अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बुक सजेस्ट करूंगा जो आपको जॉब इंटरव्यू क्रैक करने में मदद करेगी। बुक का नाम है हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू। दोस्तों, इस बुक में आपको बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको बुक्स पढ़ने में आलस आता है तो आप इसकी ऑडियो बुक को अपने फोन में मोस्ट पॉपुलर कुकू एफएम ऑडियो बुक ऐप पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम एक इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको 4.5 रेटिंग के साथ बहुत सारी 1000 घंटों से भी ज्यादा नॉन फिक्शन कंटेंट लाइब्रेरी मिल जाती है। दोस्तों, कुकू एफएम ऑडियो सीखने के अपने आसान से माध्यम से जीवन को बदलना चाहता है। कुकू एफएम के साथ आप कहीं भी कभी भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में ऑडियो बुक सुन सकते हैं और ये एक मेड इन इंडिया ऐप है। तो दोस्तों, आज ही कुकू एफएम मोबाइल ऐप को अपने और अपनी फैमिली के मोबाइल में डाउनलोड करिए। और हाँ दोस्तों, मदर्स डे भी आने वाला है, तो इस मदर्स डे पर अपनी मम्मी को गिफ्ट करो नॉलेज, ले लो कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन, वो भी 50% डिस्काउंट पर। तो दोस्तों, जल्दी करें, ये ऑफर केवल 8 मई 2022 तक वैलिड है। डिस्काउंट पाने के लिए आपको यूज करना है कोड MOM50। अब मैं आपको पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने या फिर बदलने का प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और उसमें सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च रिजल्ट में आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको एक लिंक दिखाई देगा जो कि ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का होगा। उस पर आपको क्लिक करना है और वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट दिखाई देगी। यहां पर सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पर सर्विसेज में जाना है और यहां पर क्लिक करना है फॉर एम्प्लॉइज पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको यहां पर स्क्रीन दिखाई देगी। यहां आपको अगेन सर्विसेज में जाना है और यहां पर सेकंड ऑप्शन मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगली स्क्रीन आपको दिखाई देगी, कुछ इस तरह से होगी। यहां आप देखेंगे वेबसाइट आपको अच्छी तरीके से डिस्प्ले नहीं होगी, इसको सबसे पहले हमें डेस्कटॉप मोड में कर लेना होगा। उसके लिए ऊपर 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है और सेटिंग्स पर जाना है। यहां पर आप देखेंगे डेस्कटॉप साइट, इस पर आपको क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप मोड में खुल जाएगी। यहाँ आपको अपनी पीएफ अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन करना है, यानी कि अपना यूएन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो अगली स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको जाना है मैनेज पर और क्लिक करना है मार्क एग्जिट पर। अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉयमेंट को सेलेक्ट करना है, यानी कि अपनी कंपनी को सेलेक्ट करना है जिसकी डेट ऑफ एग्जिट आप अपडेट करना चाहते हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, आपकी डेट ऑफ एग्जिट यानी कि आपकी जॉब छोड़ने की तारीख मांगी जाएगी। यहाँ आपको वो डेट एंटर करनी है जब आपने कंपनी को छोड़ा था यानी कि रिजाइन दिया था। उसके बाद कंफर्म करने के लिए आपको दोबारा से वही डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे आपको जॉब छोड़ने का रीजन सेलेक्ट करना है। मोस्टली यहाँ पर चौथा रीजन को सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन को सेलेक्ट करना है और नीचे इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और नीचे दोबारा से इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी डेट ऑफ एग्जिट आपके पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली अपडेट कर दी जाएगी और आपको कुछ इस तरह से एक मैसेज शो होगा, डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट आपके पीएफ अकाउंट में गलत अपडेट हो गई है तो उस डेट ऑफ एग्जिट को आप कैसे ठीक करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट हो गई है तो उसे आप ऑनलाइन ठीक नहीं करा सकते हैं। ईपीएफओ ने उसके लिए अभी कोई ऑनलाइन सर्विस शुरू नहीं की है। उसे ठीक कराने के लिए आपको अपने कंसर्न ईपीएफओ ऑफिस ही जाना पड़ेगा। उससे पहले आपको एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और अपने एम्प्लॉयर से अप्रूव कराना होगा। उसके बाद जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को ईपीएफओ ऑफिस में जमा करा देना होगा। फॉर्म को जमा करने के बाद ईपीएफओ द्वारा कुछ ही दिनों में आपकी डेट ऑफ एग्जिट आपके पीएफ अकाउंट में सही सही अपडेट कर दी जाती है। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ईपीएफ से जुड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।